मुझे अपना कि मुझे फिर से पराया क्यों कर दिया माँ? आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया माँ? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। दरवाजा कैसे खुला है? विनीता, 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 कहाँ हो तुम? सो रही हो क्या? विनीता, अंकल, आंटी, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? काफी खून बहा है सिर से, लगता है किसी भारी चीज से मारा गया है। सर बाथरूम में ये लोहे का रॉड मिला है सर, इस पे ताजे खून के धब्बे हैं। हो सकता है इन दोनों को मारने के लिए इस रॉड का इस्तेमाल किया गया है। उंगलियों के निशान मिल सकते हैं इस पे, संभाल कर रख दो। वैशाली जी, आपने सबसे पहले देखा लाशों को? मैंने और मेरी फ्रेंड विनीता ने टेनिस खेलने का प्लान बनाया था। जब मैं यहाँ आई तो विनीता मुझे नहीं मिली और अंकल आंटी की लाश। लाश के आसपास किसी को देखा था? यहाँ पे कोई नहीं था। और बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी, पर मुझे विनीता की फिक्र हो रही है क्योंकि उसका फोन सुबह से बंद आ रहा है। विनीता का कोई फोटो है आपके पास? फोटो तो ये रही। वंश सर, ये फोटो सब चेक ना किया और पुलिस स्टेशन में भेजो, इसकी जान को खतरा हो सकता है। सर, पर आप यहाँ के वॉचमैन, वॉचमैन का मतलब समझते हो? घर का रखवाला। ये रखवाली की तुमने अपने मालिक और मालकिन की? कैसे कहूँ साहब, अब तो ये बोझ पूरी जिंदगी मेरी आत्मा पर रहने वाला। तुम्हारे रहते हुए खूनी अंदर आया तो आया कैसे? ये बात तो मेरे लिए भी पहली बनी हुई है। ऐसी पहली सुलझाना सीआईडी को अच्छी तरीके से आता है। प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए, ये दिल के मरीज है और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? चुप कर, माफ करना साहब, मेरा बेटा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। चल जा, बाहर जाके बैठ। कल रात विनीता घर पे थी? हाँ साहब, वो घर पे ही थी मगर रात को देर से आई थी, 2 बजे घर पे आई थी वो। और वैशाली जी, आप कितने बजे आए? सुबह 8 बजे। मतलब विनीता यहाँ से रात 2 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में गई है? नहीं गई साहब। नहीं गई है तो घर पे कहाँ है? तुम ड्यूटी पे कितने बजे सो रहे थे ये बताओ। नहीं साहब, हम बिल्कुल नहीं सोए, सोने की बात तो दूर, हमने सेकंड की झपकी भी नहीं ली। तो क्या वो खूनी आसमान से उड़ के इस घर में आया? वैशाली एक बात बताओ, विनीता के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, विनीता के बारे में आप हमें और क्या बता सकती हैं? विनीता मुझसे अपने सारे सुख दुख बांटती थी, बस उसे अपने अनाथ होने की हीन भावना महसूस होती रहती थी। एक मिनट, आपने कहा कि विनीता अनाथ है? अंकल आंटी ने उसे गोद ले रखा था। अच्छा, विनीता का
सुरेश जी और उनकी पत्नी के साथ कैसा संबंध था? बहुत अच्छा था, जैसे कि उसके सगे माँ बाप हो। पर विनीता से वो एक ही बात से नाराज होते थे। कौन सी बात? रोहन। ये रोहन कौन है? वो सुरेश अंकल के दोस्त धनराज जी का बेटा था। उससे विनीता बहुत प्यार करती थी, पर इन्हें ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था। रोहन ठीक आदमी नहीं था क्या? एक नंबर का शराबी। उसकी शराब पीने की लत की वजह से उसके माँ बाप ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। शराब पीने के बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहता। एक बार तो उसने मेरे सामने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था। विनीता दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रोहन मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे अभी बात करनी है, मुझे इसी वक्त बात करनी है। खोलो दरवाजा, खोलो। साहब बिटिया ने मना किया ना, वो आपसे नहीं मिलना चाहती है, आप जाइए यहाँ से। विनीता ये क्या कर रही हो, दरवाजा मत खोलो। मुझसे इस तरह से बात करने वाला चला है। हाँ विनीता, वो तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं, अभी वो होश में नहीं है, दरवाजा मत खोलना। और अच्छे से समझा दे कि दोबारा मुझसे पंगा ना ले। हट विनीता। ये क्या ड्रामा लगा रखा है रोहन, चलो अभी चलो यहाँ से। अरे और माफी मांगो इनसे। सॉरी सॉरी वॉचमैन अंकल, मुझसे गलती हो गई, ये मेरी बदतमीजी की कीमत। दारू पी के तुम कुछ भी करते हो ना, कुछ भी बकते हो। चलो यहाँ से, चलो रोहन। हो सकता है इस रोहन ने शराब के नशे में आके सुरेश जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया और फिर विनीता को अपने साथ लेकर चला गया। इस रोहन का नंबर है आपके पास? हाँ नंबर तो है मेरे पास। 198-234-561। रोहन का फोन भी बंद आ रहा है। सर अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो खूनी मेन गेट से अंदर नहीं आया तो फिर कहाँ से आया? घर को चेक करते हैं। देखा लगता है खूनी यहां से अंदर आया और फिर यहीं से बाहर भाग गया। सर खूनी यहां से आ जा सकता है, लेकिन खूनी विनीता को यहां से कैसे लेके जा सकता है? हाँ सर, अगर विनीता के साथ उसने जोर जबरदस्ती की होगी तो विनीता चीखती चिल्लाती शोर मचाती। हो सकता है विनीता को बेहोश कर दिया, इसके पहले उसे कुछ हो हमें उसे ढूंढना होगा और इस रोहन से भी मिलना पड़ेगा। सर अभिजीत सर ने रोहन का यही का पता बताया। सर ये रोहन वाकई में अंदर नहीं है या फिर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहा है? अभी पता चल जाएगा। हो सकता है उसने विनीता को यहीं कहीं छुपा के रखा हो। घर में सामान भी ज्यादा नहीं है, पूरा घर खाली दिखाई दे रहा है। हाँ वैसे भी कंगाल है वो, माँ बाप ने तो बेदखल कर दिया था उसे। सचिन या तो कोई भी नहीं, ना ही विनीता और ना ही रोहन। हो सकता है उसने अपना ठिकाना बदल दिया। काम करो घर की तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा।
तरफ किताबें ही किताबें पढ़ी। लगता है इस रोहन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नजरिया बदलिए, बहुत अच्छी किताब है ये। ये देखिए, इस डस्टबिन में ये दस्ताने पड़े थे, लगता है किसी ने अभी भी जला है। मतलब इन दस्तानों का इस केस से कुछ लेना देना है। रेडी सर, मेरे इतने बड़े शरीर के इत्तू से दिमाग में ना एक बात नहीं घुस रही। कौन सी बात? ये रोहन का मेन मकसद था विनीता से शादी करना, करेक्ट? करेक्ट। फिर इसने अपने सास ससुर की जान क्यों ली? अरे वृषाली ने बताया था ना कि उसे शराब पीने की बहुत जबरदस्त लत थी, और शराब के नशे में लोग अक्सर कुछ भी कर जाते, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। हाँ क्या? क्या? शराब के नशे में इतनी ऊंची दीवार कोई कैसे चढ़ सकता है? भले रस्सी के सहारे क्यों, और फिर विनीता वो तो शराब नहीं पीती, वो क्यों गई रोहन के साथ? सर वैसे भी विनीता तो उनकी सगी बेटी थोड़ी थी। जो कुछ भी हो लेकिन वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और ही चक्कर है। लगता है इन दोनों को मारने का ही प्लान था। सर हाँ, लगता है ये काम किसी लुटेरे का होगा। फ्रेडी लुटेरा नहीं हो सकता, कोई लूटने के लिए आता तो घर का सारा सामान वैसे के वैसे कैसे रहता? नहीं नहीं, ये मुजरिम जो भी है ना, उसका एक ही मकसद था, इन दोनों को खत्म करने का। सर हाँ, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है। क्या? सर विनीता ने एक हफ्ते पहले फायर ब्रिगेड में फोन किया था, और ये रही उस फोन कॉल की ऑडियो क्लिप। जल्दी किसी को भेज दीजिए, मेरा एड्रेस है 603 हर्ष विहार शांति नगर। लेकिन सर जब फायर ब्रिगेड वाले उनके घर पहुंचे तो विनीता की मम्मी माला जी ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि वहां कोई आग वाग नहीं लगी है। हाँ, उसके घर में तो कोई आग लगने का निशान भी नहीं मिला। अरे झूठ क्यों कहा उसने? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। फायर ब्रिगेड वाले ने खुद देखा था स्टोर रूम से धुआं निकलते हुए, उसने अंदर जाना भी चाहा लेकिन माला जी ने उसे रोक दिया। माला जी ने फायर ब्रिगेड वाले को अंदर जाने से रोक दिया? क्यों? कुछ और ही चक्कर है। जान मारो इस जगह को अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या हुआ सर? सीलिंग पे पेंटिंग बनाया। बड़ी अजीब बात है, देखते। ये क्या? ये तो लगता है धुएं से बना हुआ निशान है, जलने की वजह से। मतलब सर फायर ब्रिगेड वाला सही कह रहा था, यहाँ पे आग तो जरूर लगी है। सर इस पेंटिंग से जली हुई सीलिंग को अच्छी तरह छुपाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरेश की पत्नी ने झूठ क्यों बोला फायर ब्रिगेड से?
आखिर यहाँ पे ऐसी कौन सी आग लगी थी? सीलिंग का सिर्फ यही वाला हिस्सा जला। मौत रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और सर वॉचमैन कह रहा था कि विनीता रात को 2 बजे घर लौटी थी। सर अगर खून उससे पहले हुए होते तो वो चीखती चिल्लाती या बाहर जाती। मतलब खून 2 और 3 बजे के बीच में हुए हैं। सालूंगे साहब, हमें जो लोहे का रॉड मिला था उसके ऊपर से खूनी के उंगलियों के निशान मिले या नहीं? नहीं, बस कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। नहीं मिले? रोहन के घर में से हमें आधे जले हुए ग्लव्स मिले थे। कहीं रोहन ने वो ग्लव्स तो नहीं पहने थे ये खून करते वक्त? हो सकता, तारिका वही चेक कर रही। सर, सर ये खास किस्म का सॉल्यूशन है, इको डेल्पाइट नाम। अगर मैं इस सॉल्यूशन को इन दस्तानों पर डालूं तो इन दस्तानों पर जो कुछ भी लगा हुआ होगा वो अलग हो जाएगा। अरे वाह, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। इन पे तो खून लगा है, देखते हैं किसका है। पॉजिटिव सर, ये खून मिस्टर एंड मिसेस सुरेश का ही है। मतलब सर ये खून रोहन ने ही किया है। एक मिनट होल्ड ऑन। देखो
दस्तानों पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये रस्सी के रेशे। सर सर कहीं ये वही रस्सी तो नहीं जो हमें विनीता के घर के बाहर मिली थी? ये डॉक्टर साहब का कंप्यूटर कैसा है, टी 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 करते रहता है? बस दस्तानों पर रस्सी के रेशे के अलावा कुछ और भी है। क्या? थोड़ा वक्त दो, पता लगाता हूं। हाँ श्रेया, ठीक है। क्या? सर विनीता का फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था उसके घर के बिल्कुल करीब, और सर उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने दोस्त को एक SOS मैसेज भी भेजा है। श्रेया मुझे लिंक अभी भेज रही है सर। ये देखिए सर। मैं घुटन से मर रही हूँ, प्लीज मुझे बचाओ विनीता। My God. फिर मोबाइल कंपनी ने बताया कि विनीता का फोन आखिरी बार यही ऑन हुआ था। इस घने जंगल में नेटवर्क मिला यही बड़ी बात है। जरा देखो आसपास। सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है। दिव्या बच। चौकन्ने रहना। ये तो रोहन है। सॉरी वॉचमैन अंकल, मुझसे गलती हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि सब रोहन का किया था, पर किसी ने इसे ऊपर पहुंचा दिया। सर नहीं, ऐसा तो नहीं कि विनीता ने अपनी आत्मरक्षा के लिए इसे मार दिया? नहीं, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है सर पे वार करके, जैसे विनीता के माँ बाप को मारा था। खूनी को एक ही है। सोचता है कि खूनी ने रोहन को मारा और विनीता को साथ ले गया। हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वो यही कहीं आसपास हो। तो देखो we
सर आसपास कोई कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला सर। ये देखिए फोड़ा और कुदाल। कहीं जमीन के नीचे तो नहीं? यहाँ पे खुदाई का सामान पड़ा हुआ है, जरा फाड़ो दिखा ना। फोड़े पे गीली मिट्टी लगी हुई, मुझे पता। तो विनीता को यहाँ जमीन के नीचे रखा गया है, जंगल के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे ये पत्ते मिलते हो। ढूंढो तो देखो आसपास। सचिन, वंश, दिव्या, ये देखो, लगता हाल फिलहाल में यहाँ खुदाई हुई है। वंश, खुदाई का औजार लिया जल्दी। सर। गुड, यहाँ पे खोदना शुरू करो। एक मिनट, आ जाओ। एक मिनट, खोदा बंद करो, हाथ से निकाल। तो इसके अंदर तो नहीं? रीता। ओह नो। सांसें धीमी चल रही है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। निकालो सुबह है जल्दी। हाँ तो निकालो, बाहर निकालो, पैर पकड़ो उसके। चलो। इतना समय बीत गया है, पता नहीं किस हाल में होगी विनीता। हम तो वक्त रहते उसे यहाँ ले आए, उम्मीद तो यही है कि वो ठीक हो जाएगी। ठीक भी हो जाएगी तो भी रोहन की मौत और उसके माँ बाप की मौत का सदमा पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीआईडी में सबसे मुश्किल काम यही है, किसी को किसी अपने की मौत की खबर देना। हाँ रुक साहब, कैसी है विनीता? अब खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ गया। गुड, हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं, लेकिन वो काफी तनाव में, बहुत देर तक कम ऑक्सीजन में रहने की वजह से फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर है। थोड़ा संभाल के ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। थैंक यू, चलो। अरे नहीं नहीं, लेटे रहो, आराम करो। थैंक यू सर, डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई। अरे हम तो बस एक जरिया थे, जान बचाने वाला तो वो है। ये ऊपर वाले की भी मुझे समझ नहीं आती, जब उसने मेरी जान बचाई तो मेरे मम्मी पापा की जान भी बचा लेते। तो तुम्हें अपने माता पिता के मर्डर के बारे में पता है? हाँ जी सर, जिस वक्त ये सब हुआ मैं नीचे हॉल में रोहन से फोन पे बात कर रही थी, तभी मैंने कुछ आवाजें सुनी। फिर क्या हुआ? और जैसे ही मैं दौड़ के ऊपर गई तो किसी ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, और किसी ने मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा का खून कर दिया। सर जिस किसी ने भी मुझे दोबारा अनाथ किया है, आप प्लीज उसे छोड़िएगा मत, उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी। बिल्कुल,
तुम्हारे माता पिता और रोहन के खूनी को हम क्या रोहन का भी खून हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्लीज सर संभालिए अपने आपको प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आपको कब पता लगा कि आप उस बॉक्स के अंदर बंद हैं? जब मेरी आंखें खुली तो मैं घुटन भरे बक्से में थी, मुझे नहीं पता था कि किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। विनीता उनमें से किसी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। ठीक है आरोप सब दया, वो जो रस्सी है उस रस्सी पर मुझे भेड़ का बाल मिला है। उस रस्सी पे भेड़ का बाल मिला? हाँ दया भेड़ का बाल, और भेड़ भी ऐसी वैसी नहीं, हिमालय पर रहने वाली भेड़। ओह मतलब वो रस्सी किसी ऐसे आदमी का है जो हिमालय पर्वत के आसपास जाके आया है या फिर वहीं का रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके अच्छा हाँ दया विनीता कैसी है? ठीक है होश आ गया उसे। गुड गुड चलो ठीक है फिर बाय। ओके सर। विनीता ये बताओ कि तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा आदमी है जो हाल ही में हिमालय जाके आया था क्या, या फिर वहीं का रहने वाला हो जो यहाँ पे आया हो? सिर्फ हिमालय पे नहीं नेपाल भी गए थे मम्मी पापा। अच्छा कब की बात है? एक महीने पहले की। वो खुद से वहाँ गए थे या ये ट्रैवल एजेंट के जरिए टूर पैकेज में? टूर बुक करवाया था सर, इससे उनके पैसे भी बच जाते थे और उनके नए दोस्त भी बन जाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये टूर उनकी जिंदगी का आखिरी टूर होगा। संभालो अपने आपको। विनीता हमें उस ट्रैवल एजेंट का नंबर चाहिए। सर विनीता के माता पिता के साथ जितने भी लोग नेपाल गए थे उन सभी से पूछताछ कर ली। तो क्या पता चला? सर नेपाल में एक अनाथ आश्रम है, सुरेश जी और माला जी जब भी नेपाल जाते थे वो इस अनाथ आश्रम में जरूर जाते थे। विनीता को भी तो यहीं से गोद लिया था माला और सुरेश ने? जी सर। हाँ देखते हैं जरा इनसे बात करके। हेलो देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से, या मुंबई। अच्छा देखिए मुझे माला और सुरेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ हाँ वो एक महीने पहले आपके यहाँ आए थे ना? अच्छा अच्छा तो प्लीज एक काम करेंगे आप, वो फोटोग्राफ्स हमारे सीआईडी के वेबसाइट पर मुझे भेज देंगे आप? ओके थैंक यू। क्या हुआ सर किसकी तस्वीरें मंगवाई आपने? विनीता को गोद लेने से पहले सुरेश और माला ने इसी अनाथ आश्रम से एक साल पहले एक लड़के को गोद लिया था, गोविंद नाम है। गोविंद लगता है फोटोग्राफ आके। पांच साल की उम्र थी साल 1999। मतलब सर वो आज तकरीबन 20 साल का होगा। अभी पता चल जाएगा गोविंद अगर आज है कैसे दिखता होगा। देखते हैं कहां भागेगा। ठीक है सर हमें देख के अंदर भाग गया है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मगर ये तो अंदर भाग गया। मगर सर वो अंदर की तरफ क्यों भागा, वो तो पकड़ा जाएगा। ऐसे मुजरिम बाहर की तरफ भागते हैं, मगर ये अंदर भागे या बाहर पकड़ा तो ये जाएगा ही। कहां गया ये अभिजीत? दया सर फैल जाओ मैं सामने से घुसता हूं।
सर। अरे खुजली कहाँ से होने लगी तुम्हें? सर बहुत तेज खुजली हो रही सर, ये झाड़ की वजह से। अभी ये क्या हुआ इसे? सर सर ये प्लान ये बहुत गड़बड़ है, इसकी वजह से इसको खुजली हो रही है। एक मिनट मिनट मिनट, अरे मैं इसे जल्दी से सवाल किया, कुछ नहीं होगा, आ जाओ आराम से सवाल किया। तो जानबूझकर हमें यहाँ अंदर बुलवा लिया है, जाल रचा है उसने खुजली वाले पौधों का, संभल के रहना, यहीं कहीं छुपा लिया। चलो वहां देख लो, बहुत बना लिया पौधों को हथियार, अब विदाई का समय आ गया है तुम्हारा, ससुराल चलना है। चलो प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए। बहुत गड्ढे खोद लिए दूसरों के लिए, गिर गए ना उसी में। सर पानी मंगाइए सर, वरना मैं खुजली से मर जाऊंगा। पानी क्यों, खुजली का इलाज हम अपने साथ लेके चलते हैं। किसी औलाद के लिए अपने माँ बाप का खून करना इतना आसान नहीं होता सर, फिर चाहे वो माँ बाप सौतेले ही क्यों ना हो। गोद लिया था ना उन्होंने तुम्हें, फिर वॉचमैन को क्यों सौंप दिया? यही सच तो मैं भी जानना चाहता था सर, फिर मुझे गोद लेने के एक साल बाद मेरे माँ बाप को ऐसा क्या सूझा कि उन्हें लगा उन्हें एक लड़की को गोद लेना चाहिए, और मुझे फिर ऐसे सड़क पर छोड़ दिया और विनीता को गोद ले लिया। क्या तुम्हें सड़क पर छोड़ दिया? हाँ सर, ऐसा बर्ताव तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया। वो तो बलाओ मेरे बाबू जी का, जो उन्होंने मुझे रोता हुआ बस स्टॉप पर देखा और अपने साथ अपने घर ले गए, और तो मेरी अच्छी परवरिश की उन्होंने। सुरेश और माला ने पहचाना नहीं तुम्हें? नहीं सर, मैंने हाल फिलहाल में उनके घर जाना शुरू किया था, मेरे बाबूजी की उम्र हो गई थी तो मुझे लगा मुझे नौकरी करनी चाहिए। क्या तुम्हारे बाबूजी जानते नहीं थे कि तुम उनके मालिक के बेटे हो? नहीं सर, जब मैं उन्हें मिला था तब वो वहाँ काम नहीं करते थे, और सर मैं इसे कोई इत्तेफाक नहीं कहूँगा, तो भगवान ने मेरे साथ इंसाफ की। तुम्हें किसने अधिकार दिया सजा देने का? सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है। क्या तुम शुरू में ही पहचान गए थे उन दोनों? ये बात तुम्हें मालूम कैसे पड़ी कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? नहीं पहचाना था सर, एक दिन मैं बगीचे में काम कर रहा था तो माला मेम साहब ने मुझे घर के अंदर बुलाया था किसी काम से। विनोद जी, मेम साहब जरा ऊपर आना, तो काम है। अभी आया। जी मेम साहब। विनोद देखो ये पुरानी अलमारी है, इसे ठीक से स्टोर रूम में रख देना। हाँ जी मैम साहब। हाँ क्या हुआ विनोद, बहुत भारी है क्या? बहुत ज्यादा भारी मैम साहब। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ सामान बाहर निकाल लेता हूँ। मगर निकाला हुआ सामान फिर से रख देना अंदर। हाँ जी मैम साहब। हाँ प्यारी प्यारी ड्रॉइंग्स हैं। ये तस्वीर तो मेरे बचपन की है, इसका मतलब साहब और मेम साहब ने मुझे गोद लिया था। विनोद कितनी देर, जल्दी करो। जी मेम साहब, बस हो गया। और फिर तुम नेपाल गए सच्चाई का पता लगाने? हाँ सर, और जब मुझे सच का पता चल गया तो मैंने पूरे परिवार के नाक में दम करना शुरू कर दिया। किसका फोन है? हेलो हेलो
अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो, कौन है? ऐसा क्यों किया? कौन बोल रहा है? आपका बेटा। बेटा? क्या? बताइए, ऐसा क्यों किया? मुझे अपना बनाकर फिर से अनाथ क्यों कर दिया? देखो, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती है। आमने सामने मिलो, फिर बैठ के बात करते हैं। बताइए कहाँ मिलना है? मेरे घर। ठीक है, पहुंच गया। स्टोर रूम की अलमारी में तुम ही ने आग लगाई थी ना? हाँ सर, पर माला जी नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई दुनिया को मालूम पड़े और समाज में उनकी बेइज्जती हो, इसीलिए फायर ब्रिगेड को भी उन्होंने वापस भिजवा दिया। और रोहन, रोहन को क्यों मारा? मैं रोहन को नहीं मारना चाहता था सर, उससे मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मैं तो उसके घर गया हुआ था वो दस्ताने रखने के लिए, ताकि आप लोगों को दस्ताने उसके घर से मिले और आप लोग उस पर शक करें। उसने मुझे देख लिया सर, मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। बदले की आग में तुमने तीन तीन खून किए, एक मासूम को जिंदा दफनाने की कोशिश भी की, ये कैसा बदला? ये बदले की आग तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगी, फांसी के फंदे तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।